हेलो गाइस, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मुझे फ्रंट रो क्रिएटिव चैनल पे। आज हम कवर करने वाले हैं लेसन नंबर थर्ड हमारे एब्सोल्यूट बिगनर सीरीज का। जी हां, जैसे कि आपको पता है हम ऑलरेडी सीरीज के फर्स्ट टू लेसन कवर कर चुके हैं, तो आज का भी ये लेसन काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग होने वाला है। तो एंड मेक श्योर आपने अपने गिटार बैग से बाहर निकाल लिए हो और वीडियो के सामने बैठ गए हो, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें इस लेसन से सीखने को मिलने वाली हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एक बार रिवाइज करने वाले हैं लेसन नंबर फर्स्ट एंड लेसन नंबर टू में क्या क्या हमने उन दोनों लेसन में टॉपिक कवर किए हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते आपका कोई भी टॉपिक गिटार से रिलेटेड मिस हो। तो वहीं पे अगर बात करें हम लेसन नंबर फर्स्ट की, तो लेसन नंबर फर्स्ट में हमने सीखा था डायग्राम कॉर्ड्स की, कैसे आप रीड कर सकते हैं, और उसके साथ साथ में हमने सीखा था फिंगर नॉमेनक्लेचर और स्ट्रिंग्स के नाम, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने लेसन नंबर फर्स्ट में सीखी थी वो टू इजीएस्ट कॉर्ड जो आप गिटार पर प्ले कर सकते हैं, और वो दो कॉर्ड थे ई मेजर एंड ए मेजर, और इन्हीं दो कॉर्ड्स पे हमने एक सॉन्ग भी प्ले करना सीखा था। जी हाँ, सारी चीज़ें हमने सीखी लेसन नंबर फर्स्ट पे। और अगर अभी तक आपने लेसन नंबर फर्स्ट हमारे सीरीज का नहीं देखा, तो साइड पे आपको आई बटन पे लिंक शो हो रहा होगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूँ लेसन नंबर टू की, तो लेसन नंबर टू में हमने ऐड किया एक और कॉर्ड डी मेजर कॉर्ड, और उसके साथ साथ हमने सीखा था एक ईजी स्ट्रमिंग पैटर्न, और इन सब की हेल्प से हमने एक प्रॉपर सॉन्ग को प्ले करना सीखा था। हैप्पी बर्थडे सॉन्ग हमने सीखा था फर्स्ट लेसन एंड सेकेंड लेसन की हेल्प से। तो अगर आपने इन दोनों लेसन को नहीं देखा, तो सेकेंड लेसन का भी आपको आई बटन पे साइड पे लिंक शो हो रहा होगा, या आपको डिस्क्रिप्शन में भी दोनों के लिंक मिल जाएंगे। तो मेक श्योर आप ये दोनों लेसन पहले देख लें, देन आप ये थर्ड लेसन पे आए। अब मैं अगर आपको बोलूं कि आपको चार कॉर्ड्स प्ले करने हैं और बिना कोई कॉर्ड शिफ्टिंग के, और एक ही स्ट्रमिंग पैटर्न पे आपको मल्टीपल सॉन्ग्स प्ले करने हैं, 50+ या 100+ सॉन्ग्स प्ले करने हैं, तो क्या आप मानोगे? जी हाँ, आज की वीडियो जो है लेसन नंबर थर्ड, वो इन्हीं सब टॉपिक्स के रिलेटेड होने वाला है। बिकॉज जो हमने रिसर्च किया, जो आपके कमेंट्स हमने रीड किए, या ऐसे बिगनर जो मुझे फील हुआ कि जो बिगनर्स को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस होता है स्टार्टिंग के डेज या स्टार्टिंग मंथ में, वो होता है कॉर्ड शिफ्टिंग। कॉर्ड शिफ्टिंग जो मेजर इशू या मेजर चैलेंज जो बिगनर के लिए रहता है, वो होता है कि एक कॉर्ड से दूसरे कॉर्ड पे शिफ्ट करना है, और साथ साथ में आपको स्ट्रमिंग करनी है, या आप में साथ साथ में अपने सॉन्ग को परफॉर्म करना है। क्योंकि जब हम गिटार नया कुछ भी हम सीखना शुरू करते हैं, तो हमारा माइंड कनेक्शन उस चीज़ से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। सपोज़ करो मैंने आज गिटार सीखना शुरू किया और मैंने तीन कॉर्ड सीखे, जैसे सपोज़ करो हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने फर्स्ट एंड सेकेंड लेसन में हमने तीन कॉर्ड सीखे, ई मेजर, ए मेजर एंड डी मेजर। उसके साथ में हमने सीखा सेकेंड लेसन में स्ट्रमिंग, एक पैटर्न हमने स्ट्रमिंग पैटर्न सीखा। तो जैसे आप प्रैक्टिस कर लोगे इसमें, कॉर्ड्स डायग्राम को आप याद कर लोगे एक दो दिन लगा के, देन आपने उसके बाद स्ट्रमिंग को याद करना है। बट जब आप दोनों टास्क को साथ में परफॉर्म करना शुरू करोगे, और उसके साथ ऑब्वियसली आप जैसे ही आप अपनी कोई भी सॉन्ग प्ले कर रहे हो, सॉरी कॉर्ड्स प्ले कर रहे हो, तो आप उसके साथ कुछ भी हमिंग शुरू कर दोगे या कोई भी सॉन्ग प्ले करना शुरू कर दोगे, जैसे हैप्पी बर्थडे आपने शुरू किया होगा सीखना, तो आपको क्या होगा कि आपने एक टाइम पे तीन टास्क प्ले कर रहे हो, और आपके माइंड उतना स्ट्रांग नहीं है उस चीज़ के लिए, आपने इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो आपको स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा इशू क्या आएगा, आप या तो कॉर्ड्स को शिफ्ट करना भूल जाओगे, इसके बाद मैंने कौन सा कॉर्ड लेना था, या आप देख के शिफ्ट करना, मतलब थोड़ा आपको लगेगा कि नहीं यार थोड़ा टफ हो रहा है, मैं थोड़ा देख के कॉर्ड शिफ्ट करूँगा, या आप स्ट्रमिंग बीच में रोक दोगे, या आपका मिस हो जाएगा स्ट्रमिंग, या आप जो सॉन्ग गा रहे हो उसके आप लिरिक्स भूल जाओगे। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस होती हैं स्टार्टिंग के डेज में, क्योंकि जब मैंने भी अपना गिटार शुरू किया था, तो ये सारी चीज़ें मुझे भी फेस, या मुझे भी प्रॉब्लम्स ये सारी आती थी। तो इसके सोल्यूशन के लिए ही हमने आज का ये लेसन पिक किया है। आज के लेसन में मैं आपको एक कॉर्ड शेप पे चार कॉर्ड्स परफॉर्म करके बताऊंगा, और उन्हीं कॉर्ड शेप्स की हेल्प से आप मल्टीपल सॉन्ग्स अपने प्ले कर सकते हो, 50 या 80, 90, मतलब अनलिमिटेड सॉन्ग्स आप बॉलीवुड के प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो वो कॉर्ड शेप के बारे में हम जान लेते हैं सबसे पहले। तो वो कॉर्ड शेप है जी मेजर। तो जी मेजर जिन जिन लोगों को नहीं पता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जी मेजर जो कॉर्ड है वो हम कैसे पकड़ते हैं, वो पहले आपको मैं समझा देता हूँ। साइड पे आपको डायग्राम भी शो हो रहा होगा, डायग्राम के साथ साथ हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा इंडेक्स फिंगर आता है, वो आता है सेकंड फ्रेट की फिफ्थ स्ट्रिंग पे। अब सेकंड फ्रेट की फिफ्थ स्ट्रिंग पे हमने अपना इंडेक्स फिंगर रख दिया, मिडल फिंगर जो हमारा सेकंड फिंगर होता है वो थर्ड फ्रेट की सिक्स स्ट्रिंग पे जाएगा।
थर्ड फ्रेट की सिक्स स्ट्रिंग पे हमने रख दिया। उसके बाद हमारी थर्ड फिंगर आती है, रिंग फिंगर, वो हमने रखनी है थर्ड फ्रेट की सेकेंड स्ट्रिंग पे। उसके साथ हमारी जो छोटी वाली फिंगर है, पिंकी फिंगर, उसको आपने रख लेना है थर्ड फ्रेट की फर्स्ट स्ट्रिंग पे। तो ये आपका बन जाएगा जी मेजर कॉर्ड। अब जी मेजर कॉर्ड एक दूसरी शेप में भी आता है, वो आता है आपने थर्ड फिंगर जस्ट आपने थर्ड फ्रेट की फर्स्ट स्ट्रिंग पे रखना, बट हमने वो वाला कॉर्ड शेप नहीं लेना, हमने जी मेजर लेना है ये। और आपको यही जी मेजर आपको प्रैक्टिस करना है, चाहे आपको 1 घंटा लगे चाहे आपको 5 घंटे लगे, बट आपको यही प्रैक्टिस करना है। अब उसके जो अगले 3 कॉर्ड्स हैं वो आप देखना कितने ईजी कॉर्ड हैं। अब इसका सेकेंड जो कॉर्ड है वो है E-7, मे बी आपने सुना है नहीं पहले या नहीं सुना, बट ये बहुत ईजी कॉर्ड प्रोग्रेशन है। तो E-7 कैसे प्ले करना है आपने, जस्ट अब देखो आपने क्या करना है, आपने कॉर्ड शेप को नहीं चेंज करना है, आपको एज इट इज़ जी मेजर ही रखना है, आपको ये नीचे वाली 2 फिंगर्स को चेंज नहीं करना है। आपने क्या करना है, मिडल फिंगर को उठा के इंडेक्स फिंगर की नीचे वाली स्ट्रिंग पे रख देना है। अब इंडेक्स फिंगर हमारी कहाँ पे, सेकंड फ्रेट की फिफ्थ स्ट्रिंग पे, मिडल फिंगर कहाँ थी, थर्ड फ्रेट की सिक्स स्ट्रिंग पे, तो यहाँ से उठा के मैंने सेकंड फ्रेट की फोर्थ स्ट्रिंग पे रख दिया, तो ये आ गया मेरा E-7। अब E-7 कॉर्ड मेरा आ गया सेकंड, तो क्या किया, जी मेजर से हमने बस एक मिडल फिंगर को लिफ्ट करके सेकंड फ्रेट की फोर्थ स्ट्रिंग पे रख दिया, तो ये हमारा E-7 आ गया। अब थर्ड कॉर्ड इससे भी ज़्यादा ही है, तो हम चले जाते हैं फिर से जी मेजर की शेप पे। अब जी मेजर की हमने शेप फिर से ले ली। अब C-9 को कैसे प्ले करना है, आपने जस्ट ये दोनों की एक एक स्ट्रिंग को नीचे ले लेना है, मतलब जहाँ पे आपकी सेकंड फ्रेट की फिफ्थ थी वहाँ पे आपने सेकंड फ्रेट की फोर्थ ले लेनी है, यहाँ पे थर्ड फ्रेट की सिक्स्थ थी तो आपने थर्ड फ्रेट की फिफ्थ ले लेनी है, मतलब आपने जी मेजर शेप को एक एक स्ट्रिंग नीचे ले लेना है। तो ये हमारा थर्ड कॉर्ड बन जाएगा, वो है C-9। तो क्या क्या कॉर्ड्स हमने अभी तक सीख लिए, जी मेजर, E-7 एंड C-9, और जो लास्ट कॉर्ड है वो है D-4। डी सस्पेंडेड 4 भी बहुत ईजी है। आपने क्या करना है, इन 2 फिंगर्स को अभी भी नहीं हटाना, आपने बस इंडेक्स फिंगर को सेकेंड फ्रेट की थर्ड स्ट्रिंग पे रख देना है, तो ये आपका डी सस्पेंडेड 4 बनता है, या इसकी जगह आप डी मेजर भी ले सकते हैं जैसे हमने सेकेंड लेसन में सीखा था। तो ये 4 कॉर्ड्स आगे, जी मेजर, E-7, C-9 एंड डी मेजर और डी सस्पेंडेड 4। तो ये 4 कॉर्ड्स की हेल्प से आप कितने भी सॉन्ग्स प्ले करना है चाहो वो हो जाएंगे। उन सब के हम आपको डिस्क्रिप्शन में आपको सारे सॉन्ग की लिस्ट दे देंगे, बट आपको बताना पड़ेगा पहले कि आपने ये लेसन प्रॉपर सीखा या नहीं सीखा। कोई भी प्रॉब्लम आएगी आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना पड़ेगा, देन उसके बाद हम आपके लिए हेल्प के लिए यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद मैं स्ट्रमिंग की बात करूँ, तो स्ट्रमिंग इसमें आज हम एक नया इसमें पैटर्न ऐड करेंगे। आज का जो पैटर्न इसमें हमने ऐड किया वो है डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन डाउन, ये कुछ ऐसे प्ले होता है। तो इसको सीखेंगे अब हम थोड़ा प्रॉपर स्लो एंड प्रॉपर तरीके से कैसे इसको प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपकी स्ट्रोक है वो आपने लेनी है डाउन, तो डाउन स्ट्रोक आपने लेनी है। याद रखो मैं फिंगर से प्ले कर रहा हूँ, आप प्लेक्ट्रम से भी प्ले कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपने लेनी है स्ट्रोक डाउन, देन आपने स्लाइटली पॉज लेना है बीच में और अगेन आपको एक स्ट्रोक और लेनी है, वो लेनी है डाउन। तो कैसे, अगर इधर मैं बताऊँ तो डाउन डाउन, पहला डाउन डाउन, देन उसके बाद आपने अगेन थोड़ा सा पॉज, देन आपने अप अप डाउन साथ में ले लेना है। कैसे, डाउन डाउन अप अप डाउन, कैसे, डाउन डाउन अप अप डाउन, डाउन डाउन अप अप डाउन। पहले आप इतना सा प्रैक्टिस करेंगे, डाउन डाउन अप अप डाउन, डाउन डाउन अप अप डाउन, और इसके बाद जो लास्ट वाला पार्ट है वो है डाउन अप डाउन अप, डाउन अप डाउन अप, फिर आपने इसको प्रैक्टिस करना है डाउन अप डाउन अप, फिर आपने दोनों को मर्ज करना है, डाउन डाउन अप अप डाउन, डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप अप डाउन, डाउन अप डाउन अप, रिदम को थोड़ा सा फास्ट करेंगे अब, डाउन डाउन अप अप डाउन, डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन अप। अब मैं आपको इन्हीं 4 कॉर्ड शेप्स की हेल्प से और इस स्ट्रमिंग पैटर्न की हेल्प से आपको 2 सॉन्ग्स प्ले करके दिखाऊंगा। 2 सॉन्ग्स मैंने क्यों पिक किया, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों के कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि हमें ये नहीं पता होता कि कौन सी स्ट्रमिंग के अकॉर्डिंगली कहाँ पे हमने कॉर्ड शिफ्ट करना है। तो देखो वैसी कोई प्रॉपर थ्योरी नहीं है कि आपने इस स्ट्रोक पे जाके इस स्ट्रमिंग में प्रॉपर उस स्ट्रोक पे जाके आपने आपने कॉर्ड शिफ्ट करना है तो करना है, वैसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है आप जो सॉन्ग आप प्ले कर रहे हो वो हाफ स्ट्रमिंग है या फुल स्ट्रमिंग सॉन्ग है,
या वो कितने स्केल उसके चेंज हो रहे हैं एक स्ट्रमिंग के बीच में, तो टोटली वो डिपेंड करता है उस अकॉर्डिंगली। वैसे तो एक स्ट्रमिंग में 3 कॉर्ड्स भी चेंज हो जाते हैं, 4 कॉर्ड्स भी चेंज हो जाते हैं, मैक्सिमम 1 या 2 रहते हैं, ठीक है। तो उसी एग्जांपल से आपको एक बार फुल स्ट्रमिंग वाला सॉन्ग एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा, एक बार आपको हाफ स्ट्रमिंग वाला मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा। तो जो फुल स्ट्रमिंग में मैंने जो सॉन्ग प्ले किया है या पिक किया है वो है कहो ना प्यार है मूवी का, ना तुम जानो ना हम। रैंडमली मैंने 2 सॉन्ग्स पिक कर लिए हैं, वैसे तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लिस्ट थी। तो पहले मैं आपको ये प्ले करके दिखाऊंगा, डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन डाउन, और आपने जी मेजर से शुरू करना है। क्यों चलती है पवन, तो क्या कर रहा हूं मैं, डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्यों चलती है पवन चेंज, क्योंकि फिर मैं एक स्ट्रमिंग मैंने फुल मैंने कर ली, उसके बाद मैंने E-7 पे आ गया। क्यों चलती है पवन, डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन चेंज, अप अप डाउन डाउन अप डाउन चेंज, डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन चेंज। तो ये एक फुल स्ट्रमिंग पैटर्न आप प्ले कर रहे हो और उसके बाद आप कॉर्ड शिफ्ट कर रहे हो, तो कैसे, क्यों चलती है पवन, क्यों जो में है गगन, क्यों चलता है मन, ना तुम जानो ना, ना तुम जानो। अब अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूँ तो वो है पहली नज़र में, तो उसमें क्या करना है, आपने जैसे डाउन डाउन कॉर्ड शिफ्ट हो जाएगा आपका, तो कैसे, डाउन डाउन चेंज, अप डाउन 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 चेंज, डाउन डाउन अप डाउन डाउन डाउन। तो 2 स्ट्रमिंग में मैं 4 बार कॉर्ड चेंज कर रहा हूँ, तो कैसे, डाउन डाउन चेंज अप डाउन 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 अप, फिर आपकी फिर से स्ट्रमिंग नया पैटर्न आ गया, तो डाउन डाउन, तो आपने फिर से क्या लिया, E-7, देन उसके बाद आपने फिर से अप 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 जैसे आपने लेना है, तो उसके बाद आपने C9। तो पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ही ले जरा। तो आई होप आपको थोड़ा सा अपनी जो आपकी कन्फ्यूजन थी या थोड़ी सी आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही थी लास्ट कुछ लेसन्स में, फर्स्ट लेसन सेकेंड लेसन में, तो आई होप आपकी थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी इस लेसन के थ्रू। बट अगर फिर भी कहीं ना कहीं अगर आपको प्रैक्टिस करते करते जैसे कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करिए, कहीं आप वीडियो स्किप मत किया करिए। पता क्या होता है, काफ़ी लोग वीडियो स्किप कर करके देखते हैं, जो उनको लगता है कि उनके यूज़फुल वाली चीज़ें हैं वो वहीं पे देखते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि बीच में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कोई ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है जो उनके लिए आगे जाके काम आने वाली है। तो प्लीज़ आपके लिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि 10-15 मिनट की एक वीडियो होती है, तो एक बार आप 10 से 15 मिनट आप एक बार निकाल लें, पूरी वीडियो को देख लें, और कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपके लिए ऑलवेज आपके लिए हेल्प के लिए अवेलेबल हैं, और आपकी जो भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी, क्वेरीज आएंगे, तो उसको हम रिजॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको लेसन नंबर 3rd से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो बाकी तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आपने, तो आपको
रेगुलर अपडेट्स इस चैनल के रिगार्डिंग मिलते रहेंगे मेरी वीडियोस के, और इंस्टाग्राम पे भी आप फ्रंट रो म्यूज़िक को आप सब्सक्राइब या फॉलो कर सकते हैं। और बाकी मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, तब के लिए कीप लर्निंग।